सो गाइज, आज मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ जो अपने में ही एक लाइफ है। फिल्म का नाम है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग, जो कि एक सीजन के साथ साथ में हम इंसान के लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है। और इस मूवी की खास बात एक और है कि इसमें कोई भी कैरेक्टर का कोई नेम नहीं है, सभी कैरेक्टर्स गुमनाम है। तो हम समझने के लिए बूढ़े मॉन्क को ओल्ड मॉन्क कहेंगे और छोटे मॉन्क को यंग मॉन्क कहेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्प्रिंग के सीजन में होती है, जहां हम साउथ कोरिया के योंगसुंग जंगल में एक झील को देखते हैं। यहाँ पर झील के ठीक बीच में एक हट बना होता है और उस हट में एक ओल्ड मॉन्क और उसका शिष्य यंग मॉन्क रहते हैं। इस हट के सामने एक गेट बना होता है, लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि उस दरवाजे के पास में कोई भी दीवार नहीं थी। अब हम गुरु शिष्य के डेली रूटीन को देखते हैं। पहले गुरु उठते हैं, उठकर वो बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और फिर वो अपने शिष्य को उठाते हैं। यहाँ पर कमरे के अंदर भी सिर्फ एक दरवाजा लगा था, जहाँ उसके अगल बगल में कोई भी दीवार नहीं थी। खैर, दोनों लोग अब तैयार होते हैं और एक नाव पर चढ़कर झील के किनारे जाने लगते हैं। ये नाव ही एकमात्र साधन है जो इन दोनों मॉन्क को बाकी दुनिया से जोड़ती है। फिर दोनों मॉन्क उस गेट से निकलते हैं। इसके बाद में वो गुरु भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है और इधर ये शिष्य पहाड़ी पर चढ़ के जड़ी बूटी लाने के लिए चला जाता है। कुछ दूर जाने पर छोटे मॉन्क को रास्ते में एक सांप दिखता है, लेकिन छोटा मॉन्क उस सांप से डरे बिना हाथ में पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। अब इसके बाद में वो वहीं पर बने हुए गौतम बुद्ध के स्टैचू से झील की ओर देखने लगता है। आप लोग ये सीन याद रखिएगा, ये सीन मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब दोनों लोग वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद छोटे मॉन्क के लाए हुए जड़ी बूटी को अब गुरु देखने लगते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटी भी होती हैं जिन्हें ओल्ड मॉन्क निकालकर साइड में कर देता है और साथ में ये कहते हैं कि ये जहरीली थी, जबकि सभी जड़ी बूटी एक ही तरह की दिख रही थी। अब हम नेक्स्ट सीन में छोटे मॉन्क को उसी नाव से पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो एक तालाब में जाकर एक मछली को पकड़कर उसे बांध देता है। मछली को दर्द में देखकर वो काफी खुश होता है और अब यही काम वो एक मेंढक के साथ में करता है और उसके बाद में एक सांप के साथ भी ऐसा ही करता है। ये सब करते हुए दूसरी साइड से ओल्ड मॉन्क उसे देख रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड मॉन्क इस टाइम यंग मॉन्क को कुछ भी नहीं कहता है। अब जब रात में छोटा मॉन्क सो रहा होता है तो गुरु एक पत्थर को यंग मॉन्क के पीठ पर बांध देते हैं। इसके बाद में जब सुबह होती है और छोटा मॉन्क जब जगता है तो वो देखता है कि उसके पीठ पर पत्थर बंधा हुआ है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही है। इसके बाद में वो यंग मॉन्क अपने गुरु के पास में जाता है और कहता है कि उसे काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सुनकर उसके गुरु जी कहते हैं कि वो बेजुबान जानवर को भी इतनी ही तकलीफ हो रही होगी जिसको तुमने बांधा था। गुरु जी कहते हैं कि जाओ और वो सभी एनिमल को आजाद करके आओ जिसको तुमने बांधा था, और ये काम तुमको अपने पेट पर ये पत्थर बांध कर ही करना होगा। अब छोटा मॉन्क फिर से उसी झील की ओर निकलता है। वो झील में जाकर देखता है तो यहाँ पर वो मछली मर चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मेंढक जिंदा था जिसे वो आजाद कर देता है। अब दूसरी साइड में जाकर वो सांप को देखता है जो वो भी मर चुका था। ये देखकर छोटा मॉन्क बहुत ही दुखी हो जाता है और साथ में रोने भी लगता है। अब ये स्प्रिंग सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद में समर यानी कि गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। वो छोटा मॉन्क अब बड़ा हो चुका है। वो फिर से उसी पहाड़ी पर चढ़कर गौतम बुद्ध के स्टैचू से झील के नजारों को देखता है। वहीं पर पहली बार यंग मॉन्क दो सांपों को इंटीमेट होता देखता है, जिसके बाद पहली बार उसके मन में संभोग के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो अब दूसरी तरफ थोड़ी दूर देखता है, जहां उसे दूर से एक लड़की और उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है। दरअसल वो जो लड़की थी वो एक बीमारी से सफर कर रही होती है, इसीलिए वो गुरु जी से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आती है। वो मॉन्क उनके पास में जाता है और दोनों माँ और बेटी को गुरु जी के पास में ले जाता है। यहाँ पर छोटे मॉन्क को उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर उसकी माँ गुरुजी से पूछती है कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। गुरुजी इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वो औरत अपनी बेटी को गुरुजी के पास में कुछ दिनों के लिए छोड़कर चली जाती है। अब एक दिन वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो छोटा मॉन्क उसे देखने लगता है और फिर उसे ये गलत लगता है, जिसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में वो लड़की गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास में प्रे करने लगती है और कुछ देर बाद में वहीं पर सो जाती है। तभी वहां पर छोटा मॉन्क आकर उसे चादर उड़ा देता है। यहां पर इस मॉन्क को एक लड़की के इतना करीब देखकर उसके अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं, जिससे वो उस लड़की को टच करता है, और इसके बाद में तभी लड़की जग जाती है और उसे चांटा मारती है, जिससे वो मॉन्क बहुत ही इंसल्ट फील करता है और गौतम बुद्ध के स्टैचू के सामने प्रे करने लगता है। लेकिन तब तक वहां पर गुरुजी भी आ जाते हैं, जिसके बाद में वो लड़की वहां से चली जाती है। अब अगले दिन यंग मॉन्क जड़ी बूटी लाने पहाड़ी पर जा रहा होता है तो वो उस लड़की से भी अपने साथ में चलने के लिए पूछता है, जिसके बाद वो लड़की उसके साथ में चलने के लिए मान जाती है। दोनों लोग तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर से मॉन्क लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे पीछे ढकेल देती है। अब रात में सोते समय वो लड़की मॉन्क की तरफ देख रही थी, और जब दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है तो मॉन्क अपनी साइड चेंज कर लेता है। अगले दिन गुरुजी उस लड़की को जड़ी बूटी बना कर देते हैं। छोटा मॉन्क फिर से उस लड़की को जंगल में घुमाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर अब ये दोनों लोग काफी क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद में पहली बार यंग मॉन्क उस लड़की के साथ में इंटीमेट होता है। फिर दोनों लोग वहां से वापस आ जाते हैं और रात में ये दोनों लोग फिर से फिजिकल होते हैं। अब अगले दिन फिर छोटा मॉन्क उस लड़की को पहाड़ी पर घुमाता है और
दोनों लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। गुरुजी दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं। अब यहाँ पर छोटा मॉन्क उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो चुकी हो, जिसके बाद में लड़की कहती है कि अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब इसके बाद में छोटा मॉन्क कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। अब रात होती है और दोनों लोग फिर से उसी नाव पर जाकर फिजिकल होते हैं, जिसके बाद में वो दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गुरुजी उन दोनों को एक बोट पर देखते हैं, जिसके बाद में वो बोट में एक छेद कर देते हैं। अब यहाँ पर नाव में पानी भरने लगता है, जिसके बाद में दोनों लोग जग जाते हैं। छोटा मॉन्क गुरुजी से माफी मांगता है, लेकिन उसके गुरुजी उससे गुस्सा नहीं थे। अब गुरुजी लड़की के ठीक हो जाने की वजह से उसे घर भेजने वाले थे, लेकिन छोटा मॉन्क बोलता है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन फिर भी गुरुजी उस लड़की को अपने घर भेज देते हैं, जिससे छोटा मॉन्क बहुत ही निराश हो जाता है और वो रोने लगता है। अब इसके बाद में जब रात हो जाती है तो फिर रात में मॉन्क अपने बैग में गौतम बुद्ध की एक स्टैचू रखता है और यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ में ये समर का सीजन यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट में हमें फॉल का सीजन दिखाया जाता है, जिसमें हम गुरुजी को देखते हैं कि वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वो एक न्यूज़पेपर पर रखकर कुछ खा रहे होते हैं, तभी वो उस न्यूज़पेपर पर देखते हैं कि एक लड़के ने अपनी पत्नी को मार डाला है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही छोटा मॉन्क होता है, और वो पत्नी उसकी वही लड़की होती है। वो यंग मॉन्क अब 30 साल का हो चुका था, जिसके बाद में वो फिर से गुरुजी के पास आता है। ओल्ड मॉन्क उसे दूर से देखता है और उसे देखकर पहचान जाता है। अब ये यंग मॉन्क उनसे कहता है कि उस लड़की ने मेरे साथ चीट किया था, उसका अफेयर किसी और मर्द के साथ में चल रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि जो कीमती चीज तुम्हारे पास में हो सकती है उसकी चाह और भी लोगों को होगी। अब यहाँ से ये यंग मॉन्क बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से मिल चुका था, इसीलिए वो बात बात पर अब गुस्सा हो जाता है। वो एक दिन सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद गुरुजी उसे बहुत मारते हैं और पनिश करते हैं, और फिर उसे रस्सी से लटका कर बांध देते हैं। अब यहाँ पर गुरुजी बाहर अपने लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं, और इधर छोटा मॉन्क एक नाइफ से अपने बाल काट लेता है। और इसके बाद में जब वो बाहर आता है तो गुरुजी उससे कहते हैं कि इसी नाइफ की मदद से तुम इस लिखे हुए वर्ड को कार्व करोगे, जिससे तुम्हारे अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा। छोटा मॉन्क इधर ये कर रहा होता है, और तभी वहां पर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो दोनों इस छोटे मॉन्क को अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैंने इसे काम दिया है, ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन इस काम को करने में काफी देर लगने वाली थी, जिसे जल्द ही अब रात भी हो जाती है। दोनों पुलिस ऑफिसर रात भर यंग मॉन्क के काम कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह तक ये यंग मॉन्क काम करते करते सो गया था, जिसके बाद में गुरुजी इन दोनों पुलिस वालों से बताते हैं कि आप लोग भी ये काम कर लीजिए, इससे मन को शांति मिलती है और साथ में काम भी जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद में वो दोनों पुलिस वाले भी ये काम करने लगते हैं, शायद उन दोनों को भी इसी चीज की जरूरत थी। अब जब छोटे मॉन्क की नींद टूटती है तो उसका सारा क्रोध भी खत्म हो चुका था, जिसके बाद में वो पुलिस के साथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो यहाँ से जाते समय लास्ट बार अब झील को देखता है। यहाँ पर हम गुरुजी के पावर का छोटा सा झलक देखते हैं। जब तक यंग मॉन्क गुरुजी को पीछे मुड़कर नहीं देखता है, तब तक नाव आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि गुरुजी भी जानते हैं कि इसके बाद में वो अपने शिष्य से कभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ सालों के बाद में अब ओल्ड मॉन्क बूढ़ा हो चुका था और उनकी नजर भी कमजोर होने लगी थी। ओल्ड मॉन्क समझ जाते हैं कि उनको शरीर के त्यागने का समय आ गया है, जिसके बाद में ओल्ड मॉन्क बुद्ध के रीति रिवाज के हिसाब से अपने शरीर को त्याग देते हैं। वो उसी नाव के साथ में अपने शरीर को भी डुबा लेते हैं। अब फिर से मौसम चेंज हो चुका है और विंटर यानी कि ठंडी का मौसम आ गया है। यहाँ पर वो यंग मॉन्क जेल से बाहर आ गया है और अब वो 40 साल का हो चुका है। एक बार फिर से वो उसी झील में जाता है और देखता है कि पूरा झील बर्फ से जमा हुआ है। इसके बाद में वो हट के अंदर जाता है और जहाँ पर उसके गुरुजी कैंडल जलाते थे वहाँ पर वो कैंडल जलाता है। यहाँ पर उसके गुरुजी के ना होने पर अब उसके गुरुजी का सारा काम वो छोटा मॉन्क करने लगता है। एक दिन उसे गुरुजी की बुक मिलती है, जिससे उसके गुरुजी आसन सिखा करते थे, जिसके बाद में यंग मॉन्क भी गुरुजी की तरह एक्सरसाइज सीखना शुरू कर देता है। पूरा लेक बर्फ से ढका हुआ था, जिससे पानी पीने के लिए उसके पास में कोई स्रोत भी नहीं था, इसीलिए उसने एक जगह पर होल किया और पानी पीने के लिए उसने पानी का स्रोत बनाया। अब एक दिन वहाँ पर एक औरत अपने फेस को छुपाकर अपने साथ में एक बच्चे को लाके वहाँ पर छोड़ने के लिए आती है। शायद यहाँ पर उस औरत की कुछ मजबूरी रही होगी। रात भर वो औरत उसी हट में रहती है और अगली सुबह होते ही वो अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। इधर जहाँ पर उस छोटे मॉन्क ने पानी पीने के लिए होल किया था और उसी में वो औरत गिरकर मर जाती है। अब वो बच्चा जिसे वो औरत छोड़कर गई थी, वो बच्चा बाहर खेल रहा है और अपनी माँ को भी ढूंढ रहा है, जिसके बाद में वो छोटा मॉन्क जो कि अब गुरुजी बन चुका है उस बच्चे को वहाँ से बचाता है। और यहाँ पर वो देखता है कि वो औरत उस होल में मर चुकी है, जिसके बाद में वो गुरुजी वहाँ पर बुद्ध का स्टैचू बना देते हैं। गुरुजी अपने पीठ पर एक पत्थर बांध लेते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें काफी तकलीफ होती है, उनके पैर से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो चढ़ते जाते हैं। जब वो सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो पत्थर को उतार देते हैं और उसे बुद्ध
के स्टैचू पर लगा देते हैं, जिसके बाद में वो यहाँ पर आसन करने लगते हैं। अब यहाँ से उनके देखने का नजरिया ही कुछ अलग होता है। यहाँ से पूरे लेक को जब वो बचपन में देखते थे तब उनके देखने का नजरिया कुछ और था, और अब यहाँ पर जब वो बड़े हो चुके हैं तब उनके देखने का नजरिया कुछ और ही है। हम इंसान की लाइफ भी कुछ इसी ही तरह है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी तरह हमारी इमेजिनेशन बदलती है और समय को देखने का नजरिया भी बदलता जाता है। खैर, यहाँ पर यह विंटर का सीजन फिर से चेंज होता है और एक बार फिर से स्प्रिंग आता है। वो छोटा लड़का अब बड़ा हो चुका है। वो बच्चा बिल्कुल यंग मॉन्क के बचपन की तरह दिखता है। जो शिक्षा यंग मॉन्क को गुरुजी ने दिया था अब वो शिक्षा उस बच्चे को दे रहा है। फिर वही अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गलती छोटे मॉन्क ने अपने बचपन में की थी वही गलती ये बच्चा भी कर रहा है। यह सीन हम इंसान की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। और फिर ये छोटा मॉन्क गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास में जाकर व्यू को एंजॉय करता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये मूवी हमें इंसान की लाइफ की मीनिंग को समझाने की कोशिश करती है। हम इंसान की लाइफ एक स्टोरी की तरह है जिसका चैप्टर हमेशा बदलता रहता है और एक ना एक दिन उसे क्लोज होना ही है। खैर, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूवी का नेम है स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।